असलम स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस योर नंबर वन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट नंबर वन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स डेटा कम्युनिकेशन इज़ ऑन पेज नंबर टू सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ ऑन पेज नंबर थर्टीन सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ ऑन पेज नंबर फोर्टीन एंड फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ ऑन पेज नंबर ट्वेल्व अब हम ये तमाम टर्म्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डेली लाइफ में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करते हैं ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू होती है और अगर इस शेयरिंग में कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हों दैन इट इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन द शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग कंप्यूटर्स इज़ रेफर्ड एज डेटा कम्युनिकेशन दिस हैज़ इंक्रीज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बियॉन्ड द कंप्यूटर रूम इस डेटा कम्युनिकेशन की वजह से कंप्यूटर्स हर फील्ड में यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स का यूज़ इंक्रीज़ हो गया है डेटा कम्युनिकेशन हैज़ इनेबल्ड अस टू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्राम वन कम्प्यूटर टू द अदर कम्प्यूटर्स डेटा कम्युनिकेशन की वजह से हम डिफरेंट फील्ड्स में डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स यानी एक कंप्यूटर से डेटा सेंड कर सकते हैं टू द अदर कंप्यूटर्स सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ ऑन पेज नंबर थर्टीन सेलुलर कम्युनिकेशन इनएबल द यूज ऑफ सेलफोन्स। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन ये बेसिकली टू वे रेडियो कम्युनिकेशन है रेडियो कम्युनिकेशन में सिर्फ डेटा रिसीव होता है सेलुलर कम्युनिकेशन में डेटा सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है दिस सेलोलर कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओवर अ लैंड एरिया इस लैंड एरिया को सेल कहते हैं इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल ईच सेल इज सर्व्ड बाई एट लीस्ट वन फिक्सड लोकेशन ट्रांससीवर नाउन एज अ सेल साइड और बेस स्टेशन हर एक सेल में एक बेस स्टेशन होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन सर्विसज इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव डेटा वन जॉइंट टूगेदर द सेल्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन कवरेज ओवर अ वाइड ज्योग्राफिक एरिया अगर इन सेल्स को कम्बाइंड कर दिया जाए then communication is possible over a wide geographic area cells key joining say cellular communication is possible over a wide geographic area that's why we can say the cellular communication system offers communication services to thousands of cell phone users yes cellular communication thousands of cell phone users go services प्रोवाइड कर रही है यानी कि यूजर्स को हेल्प आउट कर रही है टू सेंड एंड रिसीव फोन कॉल्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ ऑन पेज नंबर फोर्टीन स्टूडेंट्स मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ मून के अलावा ऑल द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़ दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट आर द मेन ऑबजेक्ट्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन में सेटलाइट्स मेन ऑबजेक्ट हैं दी सेटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन सेटेलाइट इन सेटलाइट्स को कम्युनिकेशन सेटलाइट्स कहते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन परपजेज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट आर आइडली प्लेस टू प्रोवाइड द टेली कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब ये सेटेलाइट बेसिकली टेली कम्युनिकेशन सर्विसज के लिए यूज़ होते हैं यूजिंग टेली कम्युनिकेशन डिवाइज टेली कम्युनिकेशन का मीनिंग है कम्युनिकेशन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस एंड टेली कम्युनिकेशन डिवाइस आर टी वी एंड फोन एटसट्रा फॉर एग्जाम्पल द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ क्रिकेट मैचेस किसी एक कंट्री में क्रिकेट मैच हो रहा है और इसे दूसरी कंट्री में ब्रॉडकास्ट करने के लिए सेटलाइट्स यूज़ होते हैं सेटलाइट कम्युनिकेशन यूज़ होती है फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ ऑन पेज नंबर ट्वेल्व फ़ाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया फ़ाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूज ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा फ़ाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ इट इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास या प्लास्टिक के थ्रेड्स के बंडल होते हैं इन बंडल्स में हर एक थ्रेड डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स सच एज क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग स्टूडेंट्स फाइबर ऑप्टिक केबल में सेंट्रल ग्लास कोर के अराउंड प्रोटेक्टिव मटेरियल्स की लेयर्स होती हैं लाइक क्लैडिंग बफर कोटिंग डीज कोटिंग्स आर डन टू प्रिवेंट द फिजिकल डैमेज एंड द इंटरफेयरेंस ऑफ एनवायरमेंटल वेवस स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक गुड लक